अगर आपने पार्ट वन फ्रॉम पटाया देखा तो आपको पता होगा कि कितनी भसड़ हुई थी मुझे पटाया पहुंचने में। और फाइनली मैंने सोचा यार चलो कुछ तो अच्छा करते हैं, दिन मतलब ऐसे में वेस्ट तो नहीं कर सकती ना अपनी थाईलैंड ट्रिप। तो मैं आ गई बीच पे जहाँ पे ऑल दो भीड़ थी बट क्या एपिक वाइब हो रखी थी, मस्त हवा चल रही थी, खुला आसमान था और बेस्ट चीज़ जानते हो वहाँ पे फूड फेस्टिवल हो रखा था जिसकी वजह से काफ़ी क्रिएटिव शॉप्स लगी हुई थी, लोग हैंड पेंटिंग्स करवा रहे थे और मुझे देखने में ना ये सब चीज़ें बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद बीच के किनारे सोचो आप खाने की बतेरे शॉप्स लगे हुए हैं, अगर आप एक फूडी हो और आप ये देख रहे हो तो ये देखने के बाद आपके मुँह में इतना पानी आने वाला है ना, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ अच्छी डिशेस जो कि आप खा के मज़े ले सकते हो सिर्फ वही नहीं थी, यहाँ पे वो डिशेस भी थी जिनका आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा। या आपको देख के लगेगा कि यार लोग ये भी खाते हैं, लोग खाते हैं, ये तो सॉसेजेस है, चलो ये तो कोई भी खा सकता है अगर वेजिटेरियन नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे इतनी अजीबोगरीब चीज़ें थी जैसे कि शाशिमी जो कि एक कच्ची डिश होती है, लोग रॉ फिश खाते हैं। इसके अलावा बहुत ही यम खाना था, तो तैयार हो जाओ देखने के लिए कि अगर आप पटाया आते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एक फूडी हो। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी। चली ही जा रही हूँ पर मार्केट नहीं खत्म हो रही। तो इस पूरी रोड पे मैंने एक्सप्लोर किया और इन दी एंड मैंने ली मोची। मुझे मोची बहुत पसंद है, इट्स अ जापानीज डिश बट बहुत यम होती है। इसके अलावा मैंने देखा यार इतने क्रिएटिव तरह से लोग अपने खाने को दिखा रहे थे, द स्मेल वॉज सो गुड, कहीं पे कॉफ़ी की स्मेल, कहीं पे स्वीट्स की स्मेल, एंड एवरीथिंग वॉज फ्रेशली मेड इन फ्रंट ऑफ यू। बट ये सब भी था यहाँ पे कीड़े मकौड़े, अगर आपको ट्राई करने हैं ना तो आई थिंक थाईलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस। मैंने इस बार नहीं ट्राई किया क्योंकि पता नहीं मेरा पेट ऑलरेडी खराब था, सो आई बॉट दिस चिकन जो कि ओह इट वॉज सो गुड। एंड बेस्ट पार्ट देखना चाहोगे, इतना मस्त सनसेट हो रहा था, आई थिंक दिस वॉज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स एवर। ये पिक्चर्स एडिटेड भी नहीं है, आई मीन द वीडियो। सो वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स ऑफ माई लाइफ हियर, लाइक पूरा स्काई पिंक हो गया था एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर। सो बात लिया इन लोग ने बट मेरे पैर में दर्द हो गया था और मुझे खाना था, एंड लुक व्हाट आई गॉट, एंड फ्राइड चिकन एंड स्वीट्स में आई गॉट मोची। भाई एशियन कंट्रीज में कॉफी कितनी अच्छी मिलती है, एकदम स्ट्रॉन्ग, कम दूध, जस्ट व्हाट आई लाइक। मजा आ गया, मतलब अभी तक का बेस्ट वो था, वैसा किक इन हुआ है कि हाँ मैं थाईलैंड, बिकॉज पटाया के लिए इतना मैं एक्साइटेड थी नहीं तो मैं ऐसे इतना एक्सप्लोर भी नहीं करी थी, बट मैं अभी आई हूँ वहाँ पे, इतने खाने की चीज़ें थी, इतने खाने की चीज़ें। आई बॉट माई सम सब चिकन एंड कॉफ़ी एंड मोची और मैंने यहाँ बैठी लिया है और सामने बीच है, मस्त सनसेट हो रहा है, चिल लाइफ। बहुत तरह के चिकन थे तो मैंने क्या किया, स्पाइसी वाला जितना भी था सब ले लिया, कोरियन स्पाइसी, इंडियन स्पाइसी, चीजी स्पाइसी और पता नहीं क्या था, तो चार तरह के मैंने वो ले लिया। चॉकलेट मोची, माचा मोची एंड स्ट्रॉबेरी मोची, कौन सा खाए पहले? आई थिंक चॉकलेट रात के लिए रख देते हैं एंड लेट्स गो विद स्ट्रॉबेरी बिकॉज दैट्स माय फेवरेट। वाह तो
बहुत सारा ठूसने के बाद मैंने सोचा अब क्या करें, और मेरा आज पार्टी करने का तो मूड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलते हैं नाइट मार्केट, जिसके लिए मैंने करी ग्रैब ऐप, जो कि आई थिंक द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल अराउंड है, बिकॉज आप बाइक पे जा सकते हो। दीदी को तो मैंने अपना मस्त दोस्त बना लिया। उसके बाद मैं पहुंच गई नाइट मार्केट। यहाँ पे भाई कपड़े बहुत बजट में थे, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अच्छे कपड़े थे। मतलब बैंकॉक में आपको ऑब्वियसली मिलते हैं, बट यहाँ पे कुछ अलग ही फील था यार। लोकल शॉपिंग के अलग मजे होते हैं। जगह पे मुझे अकेले छोड़ना एक पागल वाला डिसीजन है, बिकॉज आई गो मैड इन ऐसे वाले शॉप्स, जो ऐसे वाले मार्केट्स होते हैं। ऑलरेडी आई अभी घुसी हुए हैं और मैंने दो तीन चीजें ले ली ऑलरेडी, बट इट्स सो चीप एंड सच गुड क्वालिटी। देखते हैं अभी क्या क्या मिलेगा। और आपको पता है, मैं लास्ट ईयर जब थाईलैंड आई थी, मैंने उसके भी व्लॉग्स डाले हैं, ऊपर देख लेना। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने इतनी शॉपिंग करी थी, मैंने काफ़ी हज़ारों में शॉपिंग करी, तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ था कि यार शॉपिंग करना तो मुझे भी पसंद है, बस मुझे कपड़े अच्छी क्वालिटी में बट बजट में चाहिए होते हैं। और यहाँ पर मुझे खाना भी इतना ज़्यादा पसंद है कि मतलब मैं इतनी ओवरवेल्म होकर गई थी कि मैंने डिसाइड किया था यार मैं इतने पैसे तो कमाना चाहती हूँ लाइफ में कि मैं हर साल एक थाईलैंड का बढ़िया ट्रिप कर लूँ, जहाँ पर आके मैं डाइट और वेट कुछ भी ना सोचूँ और इतनी शॉपिंग करूँ, इतनी शॉपिंग करूं कि बस मजा आ जाए। यहाँ पे मैंने ये बैग्स वगैरह लिए थे जो मुझे सिर्फ 150 बात के पड़े थे, विच वॉज अराउंड 450 रुपीज, और जिस क्वालिटी में मिले थे और जो स्टाइल था, दैट वॉज एपिक। तो बस इस दिन की एंडिंग कुछ ऐसी हो गई। फिर मैंने एंड में फिर से कहीं खाना ऑर्डर किया, कुछ तो अलग सी डिश मुझे मिल रही थी, बट मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई। बट आगे के बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें मैं थाईलैंड के बारे में इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई नो यू वीडियो थोड़ा सा छोटा था, बट आई प्रॉमिस बहुत सारे फन ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बाय।